हाई फ्रेंड्स माई सेल्फ प्रोफेसर अमित परदेसी वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ रैशनल इैशनल नंबर ओके लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो, वीडियो में हमने क्या देखा लास्ट वीडियोज में हमने नंबर्स के बारे में देखा नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंटीजर्स नॉन इंटीजर्स नंबर्स के बारे में देखा देन रैशनल नंबर के बारे में भी देखा है हमें राइट आज आज इस वीडियो में हम कंपेरिजन सीखने वाले हैं बच्चों आज के वीडियो में कंपैरिजन होने वाला है कंपैरिजन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एंड फॉर कंपैरिजन वी विल यूज सिंबल्स हम कुछ सिंबल्स को यूज करेंगे कंपैरिजन करते वक्त जैसे लेस देन इक्वल्स टू मोर देन ये सिंबल्स हम यूज करते हैं कंपैरिजन करते वक्त चलिए कैसे करेंगे उसके रूल्स देखेंगे हम यहां पर रेडी रूल्स टू कंपेयर टू रैशनल नंबर्स इफ इफ ए अपॉन बी इफ ए अपॉन बी बच्चों ए अपॉन बी इज number नंबर सी अपॉन डी इज a rational नंबर ओके ए अपॉन बी क्या है रैशनल नंबर सी अपॉन डी क्या है rational नंबर और हमें इन दोनों रैशनल नंबर को कंपेयर करना है लेकिन कंपैरिजन में एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो बी और डी है मतलब ये जो डिनोमिनेटर्स है दे शुड बी पॉजिटिव दे शुड बी पॉजिटिव अगर ये डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है तो कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है बच्चों तो चलिए कंपैरिजन करते वक्त पहला कंडीशन है कि ये दोनों डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव शुड बी पॉजिटिव ओके एंड द थ्री मोर कंडीशंस आर देयर पहला कंडीशन है कि b और d पॉजिटिव होना चाहिए ओके नाउ थ्री मोर कंडीशंस क्या है चलो देखते हैं बच्चों ये दो है रैशनल नंबर बराबर ए इसका न्यूमिरेटर और इसका डिनोमिनेटर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ए इंटू डी तो एक आंसर आएगा बच्चों इसका न्यूमिरेटर और इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूं बी इंटू सी उसका भी एक आंसर आएगा अगर ए इंटू डी ओके ए इन टू डी इज लेस देन वर्ड बराबर सुनना बच्चो इफ एज टू डी इज लेस देन बीज टू सी देर्ट फ्रैक्शन दैट इज ए अपॉन बी ए अपॉन बी विल बी लेस देन सी अपॉन डी मैं रिपीट कर रहा हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ओके ध्यान से सुनना है ए इंटू डी ए इंटू डी का आंसर अगर कम आता है c इन टू बी से तो a अपॉन बी फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी लेस देन c अपॉन डी ओके दैट इज आर फर्स्ट कंडीशन नाउ द नेक्स्ट ए इंटू डी का एक आंसर आएगा c इन टू बी उसका भी एक आंसर आएगा और दोनों आंसर इक्वल है एन टू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी देन बोथ द रेशनल नंबर बोथ द फ्रैक्शन बुद्ध फ्रैक्शन विल बी इक्वल बुद्ध फ्रैक्शनवल बच्चों ठीक है देन ए इंटू डी का एक आंसर आएगा बी इंटू सी का एक आंसर आएगा बच्चो अगर ए इंटू डी का आंसर ग्रेटर देन है मोर देन है बी इंटू सी से तो जो पहला फ्रैक्शन होगा ए अपॉन बी विल बी ग्रेटर देन सी अपॉन डी तो दिस थ्री आर द वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स कंडीशन अप्लाइड बी एन सी बी एन डी मतलब दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए ओके okay? तो चलिए इन रूल्स के अकॉर्डिंग अब हम कुछ एक्सरसाइज के कुछ टेक्सुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रेडी बच्चो ना प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट टू का पहला क्वेश्चन है कि कंपेयर कीजिए नंबर्स को पहला नंबर है माइनस सेवन माइनस टू यहां पर फ्रैक्शन नहीं है बच्चों है, नेगेटिव हैं, okay, दोनों जब होते हैं properly, वही बड़ा होता है बच्चों वही बड़ा होता है बच्चों जब दोनों नेगेटिव हो तो जो छोटा दिखता है वही बड़ा होता है तो माइनस सेवन और माइनस टू दोनों नेगेटिव है तो माइनस टू छोटा दिख रहा है मतलब छोटा दिखता है लेकिन वो असल में वही बड़ा होता है मतलब माइनस सेवन इज लेस देन लेस देन माइनस टू माइनस सेवन छोटा है माइनस टू से माइनस टू बड़ा है माइनस सेवन से क्लियर और जब कंपैरिजन होता है जीरो और नेगेटिव नंबर्स का मैं रिपीट कर रहा हूं जब जीरो और नेगेटिव का कंपैरिजन होता है तो जीरो बड़ा होता है जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर आग बंद करके लिख देने का बच्चों जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर बट जब पॉजिटिव और जीरो का कंपैरिजन होता है पॉजिटिव नंबर और जीरो का कंपैरिजन होता है तो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होता है जीरो से भूलना नहीं है बच्चों तो क्या सीखा हमने यहां पर अगर जीरो का और नेगेटिव नंबर का कंपैरिजन हो रहा है तो जीरो बड़ा है जीरो और पॉजिटिव नंबर का कंपेरिजन हो रहा है तो पॉजिटिव नंबर बड़ा है यह चीज आपको क्लियर हो गया राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं जब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के बीच में कंपेरिजन होता है जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स के बीच में कंपैरिजन होता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही बड़ा होता है मतलब जो नेगेटिव नंबर है वो लेस देन होगा पॉजिटिव नंबर से क्लियर यहां तक समझा आपको बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेकर यहां पर है फोर्टी अपॉन और वन वन अपॉन ट्वेंटी नाइन दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, डिनोमिनेटर सेम है राइट right? जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना बच्चों तो हम न्यूमिरेटर को कंपेयर करते हैं किसको कंपेयर करते हैं न्यूमिरेटर को तो यहां पे न्यूमरेटर को देखिए कौन बड़ा लग रहा है आपको 141 या 40? कौन बड़ा लग रहा है 141। इसका मतलब 40 अपॉन 29 इज लेस देन 141 अपॉन 29 तो क्या सीखा हमने यहां पर कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है बच्चों तो हम न्यूमिनेटर को कंपेयर करते हैं न्यूमिनेटर में जो बड़ा होता है उस साइड का फ्रैक्शन उस साइड का नंबर बड़ा होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम माइनस सेवेंटीन अपॉइंट ट्वेंटी एंड माइनस थर्टीन अपॉइंट ट्वेंटी यहां पर भी डिनोमिनेटर सेम है बच्चों और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम किसे कंपेयर करते, है? करते हैं न्यूमिरेटर को कंपेयर करते हैं टर में यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है माइनस सेवनटीन एंड माइनस थर्टीन अब माइनस सेवनटीन और माइनस थर्टीन में बड़ा कौन होगा दोनों नेगेटिव नंबर है दोनों में बड़ा कौन होता है जो छोटा दिखता है वही बड़ा होता है मतलब माइनस थर्टीन ये माइनस सेवनटीन से बड़ा होगा इसका मतलब माइनस सेवनटीन अपॉन ट्वेंटी विल बी लेस देन माइनस थर्टीन अपॉन ट्वेंटी क्लियर समझ में आया ना बच्चों चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे यहां पर डिनोमिनेटर अलग है बच्चों डिनोमिनेटर अलग है तो यहां पर हम क्या करेंगे वो रूल अप्लाई करेंगे अपॉन डी वो क्रॉस मल्टीप्लाई जो हमने रूल सीखा था बच्चों ओके जो रूल सीखा था यहां पर ये देखिए ये जो रूल्स हमने सीखा था हम ये रूल अप्लाई करके देखते हैं कि हमें ग्रेटर देन मिल रहा है लेस देन मिल रहा है या इक्वल्स टू मिल रहा है तो ये रूल अप्लाई करके देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे चलिए रेडी तो यहां पर ये डी के पोजीशन पे ए डी को मल्टीप्लाई करेंगे ओके सो ए डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन इंटू सिक्सटीन ओके क्लियर और सी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो सेवन इंटू ट्वेल्व चलो अब मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या आता है ढूंढ के देखते हैं तो फिफ्टीन करके देखेंगे बच्चों हम लोग ठीक है करके देखेंगे थर्टी जीरो आ गया थ्री कैरी देन नाइन फाइव वन फाइव फाइव वन वन जन जीरो पे फोर्टीन वन लग गया टू फोर्टी इज द आंसर तो ये टू फोर्टी बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे ठीक है अब सेवन इंटू ट्वेल्व करेंगे क्या करेंगे बच्चों सेवन इंटू ट्वेल्व सेवन इंटू ट्वेल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चो? 84 आएगा बच्चों एटी फोर तो ए ए डी डी ये जो है ओके okay, वो मल्टीप्लीकेशन बड़ा निकला बड़ा इसका मतलब पहला फ्रैक्शन फाइव अपॉन ट्वेल्व इज ग्रेटर देन सेवन अपॉन सिक्सटीन क्लियर चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं यहां पर भी डिनोमिनेटर अलग है ठीक है तो हम क्या करेंगे a इंटू डी माइनस ट्वेंटी फाइव इंटू फोर एंड माइनस नाइन इंटू एट चलो देखते हैं दोनों का आंसर कितना आता है यहां तो सिंपल है ज्यादा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है ट्वेंटी फाइव इंटू फोर करेंगे तो डेफिनेटली हंड्रेड आता है और ये माइनस का साइन आ जाएगा एट इंटू नाइन करेंगे तो सेवेंटी टू आएगा और ये माइनस का साइन आ जाएगा तो हमने क्या देखा कि जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया इससे तो माइनस हंड्रेड है और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस सेवेंटी टू है तो क्या देखा हमने दोनों नेगेटिव नंबर्स है नेगेटिव में बड़ा कौन होगा डेफिनेटली जो दिखने में छोटा होता है तो माइनस सेवनटी टू विल बी ग्रेटर देन माइनस हंड्रेड इसका मतलब माइनस नाइन इंटू एट माइनस नाइन इंटू एट जो है वो बड़ा है इसका मतलब सी इंटू बी बड़ा है सी इंटू बी बड़ा है मतलब ए इंटू डी छोटा है इंटू डी छोटा है इसका मतलब पहला फ्रैक्शन छोटा है मतलब विल बी लेस देन क्लियर तो यहां पर हमने रूल अप्लाई करके बच्चों इस सम को सॉल्व किया है क्लियर तो आज आपने कंपैरिजन कैसे करते हैं दो रैशनल नंबर्स को उसके रूल्स देखे सिंबल्स कैसे यूज किए जाते हैं वो देखा आपने ओके आई होप दैट आज के इस वीडियो से आपने कंपैरिजन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लिया होगा थैंक यू स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे इस वीडियो में आपने जो सीखा है उसे आपको प्रैक्टिस करना है ओके okay, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए कंसेप्ट के साथ तब तक के लिए घर पे रहिए सुरक्षित रहिए अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहिए और हमें दुआओं में याद रखिए थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच थैंक यू